सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं एक ब्रांड में हूँ मैकफ्रिक्स एंड दोस्तों यहाँ पे रीसेल एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ यूज एप्पल के जितने प्रोडक्ट होते हैं मैकबुक मैक प्रो सारे आर्टिकल्स यहाँ मिलते हैं। और बिलीव नहीं करोगे कि जो मुंबई का निखिल है उन्होंने भी यहीं से परचेस किया था, उनका व्लॉग भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। इतने सारे मैंने प्रोडक्ट आपके लिए ऑलरेडी सजा के रखा है, निकाल के रखा है, अभी पूरा प्राइजेस जानेंगे क्या प्राइजेस है। और मैकबुक प्रो मैक एयर सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ के जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं ये बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्राइजेस है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड दोस्तों चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सलमान भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ऑल गुड भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो गाइज आज पहली बार मेरे चैनल पे मैकबुक जो एप्पल्स के प्रोडक्ट होते हैं, मुझे तो काफी चीजों के नाम भी नहीं पता, मैं इस पे एकदम नया हूँ और ये भी सोचिए कि हमारे व्यूअर्स भी एकदम नए हैं। तो पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं, आप खरीदते हैं, बनाते हैं, सेल करते हैं, क्या क्या बेचते हैं, कौन सा मॉडल बेचते हैं, कौन सा आर्टिकल बेचते हैं भाई? जी अपना प्राइमरीली काम है भाई जो मैकबुक यूज होते हैं उनको रीसेल करना, जिनके मैकबुक्स खराब हो गए उनको सर्विस वगैरह करके देना, रिपेयर करना बहुत कम कॉस्ट में एज कम्पेयर टू एप्पल। फिर जो डेमो यूनिट्स होते हैं वो, फिर जो एक दो महीना यूज करके जो लोग बायबैक में डाल देते हैं उनमें के यूनिट्स, मोस्ट ऑफ दीज यूनिट्स हमारे पास आते हैं। अच्छा। कम से रेंज में लेके और थोड़े हैवी रेंज तक, मिड रेंज तक सारे मशीन मिल जाएंगे। जिन लोगों को यूट्यूब वीडियोज बनानी है, जिन लोगों को डीजेइंग करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, हर तरीके के काम के लिए हर तरीके के मैकबुक अपने पास अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 22,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। जिनको जूम मीटिंग से 20,000 रुपए से भी एप्पल्स के प्रोडक्ट मिल 20,000 से मिल जाते हैं आजकल मैकबुक अच्छे अच्छे, वो भी तो बहुत सारे आ गए। अच्छा, तो उसमें अभी जैसा कि एक पीस आपने यहाँ पे रखा था, ये सील पैक प्रोडक्ट है जी, तो इसकी ये बहुत हैवी है यार, ये किसके ऑफिशियल वारंटी वगैरह ऐसा कुछ मिलता है? हाँ, ये कंप्लीट एप्पल वारंटी फ्रॉम द डे यूज है, जब से आप लोगे तब से वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल रहेगा, ऑफिशियल इंटरनेशनल वारंटी जहाँ चाहो, भी इंडियन यूनिट है, यहाँ पे कोई भी बाहर का यूनिट नहीं मिलेगा, कोई ग्रे नहीं कुछ नहीं, हर तरीके के मॉडल्स। अभी फॉर एग्जांपल डिस्काउंट भी बहुत अच्छे हैं। Okay. इसकी फॉर एग्जांपल एमआरपी है 2 लाख रुपए की। अच्छा। तो आपको मान लो 165-170 तक में मशीन, इसमें की मशीन मिल जाएगी। अच्छा। जितनी महंगी मशीन उतना अच्छा डिस्काउंट वैसे टाइप में अपन ऑफर करते हैं। Okay. तो जो डेमोज पे रखे होते हैं, जो आप जब जाते हैं एप्पल स्टोर में जाते हैं, तो जो डिस्प्ले पे रखे होते हैं वो वाले भी मशीन अपने पास अवेलेबल है, जो उनमें की मशीन बहुत सारी। तो दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को कि स्टार्टिंग प्राइस से जो आपने कहा कि 20-22,000 के रेंज में जो मैकबुक वगैरह होते हैं, दो तरीके के आते हैं। तो पहले तो बता दीजिए मैकबुक होता है क्या, वो लैपटॉप होता है कि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आता होगा मैकबुक क्या है। मैकबुक लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप जिसे कहते हैं, जिसके अंदर उसके लिए उसने अलग नाम दिया मैकबुक, मैकबुक नाम उसको मैकबुक कहते हैं, उसका सेपरेट आईओएस होता है, उसका कंप्लीट डिफरेंट मैकओएस होता है, सॉरी। और जैसे आईफोन्स के लिए एक आईओएस बनाया गया, वैसे मैक के लिए एक मैकओएस बनाया गया जो अलग लेवल परफॉर्म करता है। काफी सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बहुत स्मूथ चलते हैं इन मैकबुक्स में से। अभी ये वाला एक है, छोटा सा है, प्यारा सा छोटा सा मैकबुक है ये। अभी ये 18-20,000 के रेंज में आ जाता है इस मशीन का। क्या बात कर रहा है, 18-20,000 रुपए की रेंज में मैकबुक एयर। एग्जैक्टली, अभी इसमें दिखने में और वेरिएंट्स दिखने में सेम होते हैं बट प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, डजंट मीन कि सारे मॉडल का यही प्राइस होगा। अच्छा। ऑफ कोर्स जैसा प्राइस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वैसा वो, मतलब बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वैसा उसका प्राइस डिफरेंट होगा। Okay. ये 11 इंच मैकबुक एयर होगा, 22,000 में इसमें का मैकबुक आता है, इसको मैकबुक प्रो कहते हैं। अभी ये मैकबुक इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा रिकमेंडेड मॉडल है कि इसके अंदर सारी चीजें हो सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एमएस ऑफिस, जूम मीटिंग्स, गोइंग टू प्रीमियर प्रोज, आप लोग के फील्ड वाले जो लोग हैं लोग एडिटिंग वगैरह के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए ले जाते हैं। तो ये क्या रेंज का रहता है ऐसा कुछ? ये 22,000 से स्टार्टिंग है, फिर इसे एक बेटर मॉडल आता है MD10 27-30,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कितना कम यूज किया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, किसने यूज किया हुआ है, उस रेंज के कंडीशन के हिसाब से आते हैं। Okay. फिर थोड़ा और आप उन शिफ्ट होंगे तो फिर 8GB रैम में मैकबुक एयर आते हैं, जो दिखने में देखो 8GB रैम में, जी 8GB रैम वाले वेरिएंट्स हैं, तो मैकबुक एयर होते हैं जो इसमें होते हैं। ये भी डेमो वाले यूनिट्स, मतलब ज्यादा यूज किए हुए नहीं, बहुत कम एप्पल इन्वेंटरी के एसेट्स। डेमो मतलब ये होता है जो शॉप्स पे डेमो के लिए रखा जाता है, वो प्रोडक्ट भी आपके, वो वाले प्रोडक्ट्स भी अपने आप, हर 100% ही अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं यार, अनटच फ्रेश यूनिट्स बोल रहा हूं मैं। देखो अभी फॉर एग्जांपल इसमें का देखो, ये एक डेमो यूनिट है। ओके गाइस, डेमो यूनिट बहुत रेयरली ही मिलता है केसेस, क्योंकि जिसके अच्छी टच होती है उसी को मिलता है, टाइप होगा एप्पल सिर्फ उसको ही देता है, बाकी कोई रैंडम बंदा डेमो यूनिट्स वगैरह ले नहीं सकता। बराबर। अभी ये देखो, ये टच बार के लेटेस्ट एडिशन है, ये अभी निकले हैं, 2019-20 के डेमोज है। Okay. ये भी अपने पास अवेलेबल है, ये थोड़े महंगे रेंज वाले हैं बट ऑल्दो ये भी अवेलेबल है अपने पास में। और फिर इस तरीके में मैकबुक एयर 13 इंच में M1 वाला सीरीज है, आपने सुना होगा कि लेटेस्ट एप्पल ने नया लॉन्च किया है। अच्छा। खुद का प्रोसेसर, खुद का एक बायोनिक चिप लॉन्च किया है, सो इसको कहते हैं मैकबुक एयर M1। तो ये और अच्छा, मतलब यार कलर भी बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा है, और इसका परफॉर्मेंस भी सेक्सी कलर एकदम, गोल्ड में उसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है भाई, मतलब मजा आ जाए बंदे को यूज करने में।
ये मैकबुक एयर M1 गोल्ड कलर में, अपने पास 256 भी अवेलेबल है, 512 भी अवेलेबल है, हर वेरिएंट मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, टच बार, नॉन टच बार, रेटिना, नॉन रेटिना, विद फेस आईडीज वाले, मतलब जो फेस आईडी बोलो, टच आईडीज वाले जो मैकबुक एयर आते हैं वो भी हैं, और जो नॉन टच आईडीज वाले आते हैं वो भी अवेलेबल अपने पास। और स्टॉक आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्टॉक है, रेंज बहुत ज्यादा है भाई, मतलब जो तुमको चाहिए, जिस लेवल का बजट तुम होल्ड कर रहे हो उस लेवल का मशीन, हर तरीके की मशीन अवेलेबल है। यहाँ पे भी सारा स्टॉक भरा पड़ा है, यहाँ पे भी सारे में मैकबुक्स हैं, सब स्टॉक रेडी है। टच बार्स एंड ऑल, अगर थोड़ा बजट थोड़ा हैवी है और थोड़ा लॉन्ग रन के लिए लेना है तो फिर इनमें की मशीन्स लो। देखो यहाँ पे भी सारी है, ये सारे टच बार्स हैं, ये सारे नॉन टच बार्स हैं 2020। तो ये टच बार मतलब ये जो टच प्लेट वाला होता है, इनमें एक टच बार आता है। बताइएगा हमारे व्यूअर्स को टच बार और नॉन टच बार में डिफरेंसेस क्या होता है। जी जी, देखिए ये एक टच बार वाला वेरिएंट है, इसके अंदर फिजिकल कीज नहीं होती है फंक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ से मतलब कम ज्यादा वगैरह कर सकते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट वाला होता है, फिंगरप्रिंट, यहाँ पे फिंगर आईडी इसमें भी होती है, और इसका टच बार है यहाँ पे। एप्पल ने हालांकि रिमूव कर दिया, नए वाले मैकबुक्स में आ रही है अभी, नए वाले मैकबुक्स से मूविंग टू द न्यू मैकबुक्स M1 वाले जो आए अभी, लेटेस्ट मैकबुक प्रो M1 मैक्स प्रो सीरीज के चिप्स आए बहुत अच्छे से, वो एक iMac रखा हुआ है ब्लू कलर में, ये अभी बहुत रेयरली कहीं अवेलेबल है, 2 महीना पुराना मशीन है, किसी ने रीसेल कर दिया तो अपने पास बहुत अच्छे प्राइस में आया हुआ है, दैट टू अ 512 GB वेरियंट। क्या बात है, 8 GB रैम है इसका, 8 GB रैम, 512 GB SSD वेरियंट। तो ये सारे मशीन थोड़े मतलब स्पीड में, परफॉर्मेंस वाइज, लुक वाइज बहुत खूबसूरत है, टच आईडी वगैरह उसका, बॉक्स वगैरह हर चीज के साथ आया, बिल बॉक्स, उसकी पन्नी भी नहीं ली, इतना फ्रेश है मशीन। अच्छा जी, तो इसमें का, ये उसी का बॉक्स है। जी जी जी, तो इसमें का रेंज 1 लाख रुपए के ऊपर वाली मशीन है भाई इसमें। अच्छा। फिर जो अभी तक का ये सबका बाप जिसको कह सकते हैं सबसे लेटेस्ट मॉडल, वो इनमें का है, फादर ऑफ द फैमिली बोल सकते हो। हाँ। ये है मैकबुक प्रो चिप वाला, M1 प्रो चिप वाला, 16 इंचेस में, ये भी नया पीस भाई, मतलब 2 महीना जबरदस्त चीज होगा ना, मतलब ड्रीम है, आप जैसे बोलते तो ड्रीम है, मतलब ये मशीन खाली चाहिए मतलब एडिटिंग के लिए। अच्छा, तो ये भी 1-2 महीना पुराना बेहतरीन यूनिट, अनटच, मेरे तो किसी काम का नहीं है, बिकॉज मैं यूज करता नहीं उतना, बस हाँ मैं बेच रहा हूँ, आपके काम आ जाएगा, आप ले जाओ, आप कुछ क्या रेंज का होगा फिर भी ये भाई, ये 180 करीब ज्यादा है, 240 MRP है फिलहाल, 1,40,000 के MRP, बट 1,80,000 मुंबई में कुछ कुछ स्टोर्स में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और जो वारंटी में 1-2 महीना ही सिर्फ यूज किया हुआ, तो ऐसे यूनिट्स लेना ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू गोइंग फॉर द न्यू यूनिट। रीजन इज, आपको नया लेते 2,40,000 पड़ता है, 2,40,000 का पड़ता है, बराबर वो डिस्काउंट मिला तो 10-12,000 का मिल जाता है, फिर भी वो खाली अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस के लिए आई डोंट थिंक आपको उतना देना चाहिए। बराबर, अभी ये वाला मशीन आपने फॉर एग्जांपल 180 में लिए, बराबर इस पे 25,000 खर्चा करके 2 साल वारंटी बढ़ा लिए। अच्छा, वो भी APP प्लस, अब ये गिरे टूटे फूटे कुछ भी वारंटी मिल जाएगी। बराबर, तो वहां पे स्टोर जाने से पहले एक बार मेरे को कांटेक्ट कर लो आप। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो पैसे बचा लूंगा, कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है 20-25,000 बचा लूंगा आराम से, मतलब बड़े अमाउंट बचा लोगे, बड़े अमाउंट बचा लोगे, जिसमें एक गोवा की ट्रिप आराम से हो जाएगी आराम से। अब जो लोग मैक पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिन लोग मूव होना चाहते हैं, उन लोग डायरेक्टली हैवी यूनिट्स में मत जाओ, मतलब मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से 11 इंचेस पे यूज करो, 6-8 महीना यूज करो, देन अच्छे से हाँ सीख लो, बिकॉज जितना अच्छा प्रोडक्ट है भाई उतना ही खर्चा ज्यादा देता है, अगर गलती से एक बूंद पानी आपने गलत जगह डाल दिया तो दैट इज इट, इट वुड कॉस्ट अराउंड 40,000 फॉर अ फकिंग मदरबोर्ड, अगर वैसा कुछ रहा तो। अच्छा, आपको बहुत संभाल के यूज करना है, एंड देन छोड़ दो बाकी, मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, बैठा सब संभाल लेगा पूरा बाहर निकले आप बैठे, सर्विस स्टेशन भी अपना है अंदर ही है, रिपेयर एंड ऑल सब कर लेते हैं, जो भी जिस लेवल का रिपेयर रहेगा वो हो जाएगा। लेटेस्ट वाले मैकबुक्स में T2 सिक्योरिटी चिप आती है, जिसमें रिपेयर पॉसिबल नहीं है, उनमें रिप्लेसमेंट्स होते हैं मोस्टली, तो अगर वो छोटे मोटे रिपेयर्स हो तो ठीक है वो कर लेंगे, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लेस होते हैं। अच्छा, ये क्या रखा आपने, ये दो ये मैक मिनी है, मैक मिनी भी, ये M1 वाला मैक मिनी है, तो ये मैक मिनी क्या होता है, ये एक CPU है, एप्पल का कोर CPU है, ये इसके अंदर इतना पावर है कि यार ये अच्छी खासी मूवी एडिट कर सकता है। अच्छा, 4K रॉ फुटेजेस एडिट कर सकता है ये, उतनी उतना पावरफुल मशीन है, मतलब ये PC जैसा आएगा। हाँ, ये एक CPU अपना CPU प्रोसेसर यूनिट है, बहुत छोटा है यार ये तो। हाँ भाई, छोटा कॉम्पैक्ट है, और एक डिस्प्ले कनेक्ट करना है बस आपका, फिर क्या बात, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है। मेरे घर में तो काफी, ये सस्ता वाला मैक मिनी है, ये वाला i5 प्रोसेसर में 25,000 रुपीज में, 16 GB रैम, 512 GB SSD, बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन, 16 GB रैम, हाँ जी, 512 GB SSD के साथ। कितना प्राइस बोला आपने उसका, 25,000। और ये वाला, ये वाला 43,000 रुपीज का, M1 वाला 2020 मॉडल। अच्छा, 2020 का मॉडल है ये, सबसे टॉप मॉडल चल रहा है इसमें। खाली बट टीवी में, आपने एप्पल के टीवी में कनेक्ट कर काम करना चालू कर, एप्पल टीवी भी नहीं, कोई भी मॉनिटर में आप 5,000 मॉनिटर लो उसमें लगाओ काम करो, HDMI का डायरेक्ट आउटपुट दिया हुआ है, लवली HDMI वही ग्राफिक कार्ड में जो यूज करके, जी जी नॉर्मल HDMI दिया हुआ है, 2 Thunderbolt पोर्ट्स दिए हुए हैं, 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, ये एप्पल के बहुत प्राइम यूनिट्स है, मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये जो मैं यहाँ पे रखा हूँ मैंने, ये सारे एप्पल के बहुत प्राइम सेगमेंट्स है। Okay. फिर M1 यूनिट हो या i5 के प्रोसेसर, जो दिखने में M1 की तरह होते हैं मैकबुक एयर लेटेस्ट वाले। अच्छा, ऑल्दो ये भी बहुत मतलब रनिंग यूनिट्स है। अभी 12 इंचेस का एक छोटा यूनिट आता है, जिन लोगों को पोर्टेबिलिटी चाहिए, जो लोग ज्यादा मतलब ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए भी यूनिट्स आते हैं, ट्रैवल में भी काफी लोग एडिटिंग वगैरह भी करते हैं। ये क्या, ये वाला यूनिट रखा हुआ है, देखो ये इसमें का ना,
ये भी केबल एक प्रोसेसर है, मतलब एक चीज आप नोटिस करिए कि जितने भी यहाँ पे मैकबुक है जो भी इसे लैपटॉप वगैरह कहा जाता है स्क्रैचलेस है, कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट। हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि अच्छी चीज मिले, बट जैसे कि जो यूज यूनिट्स हैं जो कम प्राइस रेंज वाले हैं उनमें नया मिलना मुश्किल है भाई, क्योंकि कोई कैसे यूज किया उन्होंने 3-4 साल वी डोंट नो। अभी देखो ये इतना बारीक, मतलब ये इसका थिकनेस है ना इस तरफ पे हार्डली 4 mm का थिकनेस है, क्या बात, छोटा सा प्रोडक्ट है। केबल एक प्रोसेसर वाला ये पर्टिकुलर लैपटॉप है, ये कोई बेचता नहीं है, मतलब अच्छा। मार्केट में इसका फ्लो बहुत कम है। एप्पल ने 2-3 साल के लिए निकाला फिर बंद कर दिया, एप्पल ने अपना फिर मैकबुक एयर को थोड़ा अपग्रेड करके इसके लुक में निकाला, बट जिसके पास भी ये लैपटॉप है वो कोई बेचता नहीं है, अपने पास मिल जाएंगे जब भी चाहिएगा आप ऑर्डर। ये क्या रेंज का होता होगा? ये 38,000 से स्टार्टिंग है, 38,000 रुपए की स्टार्टिंग रहेगा। फिर जैसे जैसे प्रोसेसर बेटर होते जाएगा थोड़ा प्राइस बढ़ते जाता है, प्राइस बढ़ते जाता जैसा रहेगा वैसा। तो ये पूरा गेम है ना गाइस, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, जीबी रैम, ये सब टेक्निकल वाली, टेक्निकल जो वर्ड जो हम लोग को भी बहुत कम समझ में आता है क्योंकि अपनी भी एडिटिंग अभी सीधे फिलहाल फोन में होती है। तो लेकिन जो एडिटिंग में इंटरेस्टेड है या जो कंप्यूटर में है, मैकबुक में है, मैं बोलूंगा कि आप लोग अपना पैसा बचाइए। जैसे कि भाई ने कहा कि सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि जो ये जो काउंटर्स वगैरह पे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं जो यूज नहीं हो रहते हैं डेमो पीसेस, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब अपना फोन लेने के लिए गया तब मैं भी वही ढूंढा था भाई, लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। वो टाइप्स होते हैं उनके साथ ही, उनके वो डायरेक्टली कुछ एप्पल स्टोर से टाइप हमारे साथ में, तो उनके थोड़े डेमोज हमारे पास भी आ जाते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है कि अरे 40-50,000-30,000 बचाना बच जाते हैं, वारंटी कंप्लीट 1 ईयर मिल जाती है, लैपटॉप ब्रांड न्यू होता है, प्रिस्टीन होता है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस नहीं होता ऑल्दो, लेकिन मजा आ जाती है। अभी रिपेयरिंग पार्ट पे आते हैं, अगर अपना आप एक मैकबुक यूजर हो ऑलरेडी है सपोज, आपका डिस्प्ले डैमेज हो या कुछ खराब हो गया, आप एप्पल स्टोर में जाओगे तो आप कम से कम 55,000 का कोटेशन आता है लेटेस्ट मैकबुक्स का। अच्छा, आप मेरे पास लेकर आओ, मैं आपका एटलीस्ट 20,000 वहां भी बचा लूंगा। अच्छा, मतलब 35,000 रुपीज में ऑलमोस्ट सेम, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन वाला, यूज बट 3 मंथ वारंटी जो एप्पल देता है सेम, आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आप मैकबुक एयर यूज करो 2017 या उससे पहले वाले, स्पेसिफाइड मॉडल नंबर 1466 या उसके कोई भी पहले वाला मॉडल नंबर, आपके मदरबोर्ड का कोटेशन एप्पल फॉर एग्जाम्पल खराब हो गया, पानी जा गया, कुछ भी, एप्पल में जाते हो 45-47 कोटेशन आएगा तुमको, मत दो वहाँ पे भाई, पैसे मत दो, उतने में नया लैपटॉप आता है। अच्छा। यहाँ पे ले जाओ 6-10 हज़ार के बीच में रिपेयर होके मिलेगा, अच्छी खासी लाइफ है। 38 में जब आप एक लैपटॉप ही ले रहे हो आ जाएगा, तो 45 क्यों खर्चा करने का, उससे अच्छा कि दूसरा ही ले लो। अपने सारे यूनिट्स पे 45 डेज की वारंटीज आती है, चेक करो, थरो चेक करो, 45 दिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है आपको ये पता लगाने के लिए मैकबुक सेटिस्फाइंग है या नहीं है। बराबर, उसके दौरान कुछ भी होता है तो चार्जिंग कैसी चल रही है, हर चीज कैसा है उसका, 1.5 महीने में थोड़ा जिस्ट आ जाता है कि कैसा चलेगा, अगर वो आपको सेटिस्फाइंग है तो ठीक है, नहीं तो फिर बायबैक दो, दूसरा ले जाओ, काम बराबर, क्या टेंशन है, दुकान तो इधर ही पे ही है। लेकिन ये है कि जो पहली बात है कि इतना ज्यादा स्टॉक रखना, मैं तो बोलूं लाखों के ऊपर का तो उनका खाली स्टॉक है, मेरे हिसाब से करोड़ों का भी हो सकता है क्योंकि इतने महंगे महंगे एप्पल के प्रोडक्ट आते हैं और एक एक पीसेस नहीं है उसके अंदर भी, काफी है, मैकबुक प्रो है सारों में, लैपटॉप है सारों में, मैकबुक, हाँ, फिर ये देखिए यहाँ पे भी है जो जो ज्यादा ये अपना मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है भाई, इसका सबसे ज्यादा स्टॉक होता है अपने पास, बिकॉज ये मशीन बिकती है उस लेवल, सबसे ज्यादा बिकती रहेगी ये वाली मशीन, बिकॉज ये हर काम के लिए सेटिस्फाइंग है भाई। MD-101 करके जो मॉडल आता है ना 27-30 के रेंज में, हर काम के लिए सेटिस्फाइड, किसी को गिफ्ट करना है कर सकते, क्योंकि वो भी प्राइस भी तो कमी है ना, 27-30 बोले तो एप्पल के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, वो भी लैपटॉप मिल जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात, प्लस अपग्रेडेबल है, उसमें रैम बढ़ाई जा सकती है, SSDs बढ़ाई जा सकती है, हर चीज उसको मतलब सुपर फास्ट किया जा सकता है, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल विंडोज लैपटॉप, बहुत बढ़िया। एक्जैक्टली, एक्सेसरीज मिल जाएंगी अपने पास में, जो चार्जर तुम लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एडिसन वेट का मैक्स है USB-C वाला, तो कुछ 10,000 के करीब का है, अपने पास 4,500-5,000 में ओरिजिनल चार्जर्स भी कंप्लीट 1 ईयर वारंटी मिल जाएंगे। अच्छा, एप्पल की कंप्लीट वारंटी के साथ है, जी लिमिटेड स्टॉक होते हैं, बिकॉज रुकते नहीं, ऑलरेडी कुछ बंदों का कॉर्पोरेट वाला टाइप है, जिन लोग ले लेते हैं, मेरे पास स्टॉक आता है तो मूविंग में निकल जाते हैं फटाफट में, रुकते नहीं है। अपने पास प्राइमरीली मैकबुक की सर्विसेज, मैकबुक के सेलिंग्स, मैकबुक के लिए सारा गाइडेंस दिया जाता है भाई, iMac भी होते हैं, iMac रेयर आते हैं, अपने पास उतने नहीं आते जितने फ्लो में मैकबुक्स आते हैं, ऑल्दो जब भी आते हैं वो नेक्स्ट डे तक लास्ट नहीं करते हैं, बिकॉज iMac थोड़ा डिमांडिंग चीज है, थोड़ा मूविंग अच्छा है उसका, मतलब अच्छी चीज है उसमें, एडिटिंग वगैरह में काम आती है। ओके, लेटेस्ट में या कोई भी मशीन आपको जो जो बजट रेंज रहेगा आप कांटेक्ट करो, भाई का नाम लेके कांटेक्ट करो, अफोर्ड डिस्काउंट देंगे तुमको भी। तो वो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा गाइस कि पहले तो आप अगर विजिट कर सकते हैं तो विजिट करके आप लेना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो, या फिर ऑनलाइन भी आप भिजवा दोगे ना अगर कहीं पे कोई ऑनलाइन, जहां पैन इंडिया डिलीवरीज है कोई दिक्कत नहीं है, और विजिट में भी ऐसा ही, अगर आप ब्लैंक को नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम मैक में शिफ्ट हो रहे हो, चिल करो, आओ यहाँ पे, इतना अच्छा गाइडेंस तुमको 35% मैकबुक यहाँ से सिखा के भेजेंगे हम लोग, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा काम करते हैं। एग्जैक्टली, इतना तो मैं तो बोलूं कोई कंप्यूटर वाला भी जो अपने को उतना सिखा के नहीं भेजेगा, बोलेगा ले और जाओ चुपचाप, टाइम पास मत करो हमारे साथ। नहीं नहीं, उतना तो नहीं, अपन हर चीज, अभी निखिल भाई लोग भी हम लोग से मैकबुक्स ले चुके हैं, तो निखिल का भी मैंने इनके साथ में व्लॉग देखा था,
यहाँ पे मुंबई का निखिल भी आते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग भी यहीं से दो तीन आई थिंक ले चुके ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट आपके पास। निखिल भाई के फ्रेंड सर्कल में उन्होंने मतलब रिकमेंड किया था कि अलमान से ले, ऑफ कोर्स मैं प्राइसेस वो हिसाब से उनको कोट भी करता हूँ जी। तो ऐसा भी नहीं कि वो बोलते ही कॉस्ट टू कॉस्ट दे, इज वेरी गुड एट दिस, वो बोलते हैं कि तेरा जो भी मार्जिन है वो रख के दे उनको, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक अच्छा एक बॉन्डिंग अच्छी बॉन्ड है क्योंकि उनको मालूम है कि प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बिकॉज प्रोडक्ट अगर कुछ खराब होता है ना तो वो खुद एप्पल स्टोर नहीं जाते हैं, कॉल करते हैं बाकी के मैं हैंडल कर लेता हूं। हाँ, क्योंकि वहां जाएंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बेफालतू का तो सेंस नहीं बनता। गाइस, मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मैकबुक में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छे डीलर भी है और इतने अच्छे डीलर है कि आपको यहाँ से सिखा के भेजेंगे, इतना तो मेरे हिसाब से कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके अंदर आपको क्वालिटी वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सबसे अच्छा है कि ये खाली बेच के नहीं देंगे आपको, आपको 45 दिन की गारंटी सर्विसेज भी हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि खराब हो गया मेरे पास मत आना भाई, लेकिन ये कि अपने को बना के देंगे, कोई भी मैक जो भी सर्विस रहेगा आप चार्ज देंगे जो हो जाएगा हो जाएगा। अभी कोई भी मैक रहेगा ना तो आप एक सब्सक्रिप्शन टाइप लेते हो हमसे, कोई भी मैक लेते हो, ओके, बिकॉज हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको कि यार आप 6 महीने यूज करो, हम लोग खुद कॉल के बोलेंगे कि यार 3-4 हज़ार डालो, जो आप यूज कर रहे हो ना उससे बेटर मशीन देते हैं, आप वाला हमको दे दो, इस तरह से आप अपग्रेड भी होते रहेंगे, अपग्रेड भी होते रहेंगे, एग्जैक्ट, आपके पैसे पॉकेट भी इफेक्ट नहीं करेगा, 3-4 हज़ार या 10 हज़ार मैक्सिमम क्या ही फर्क पड़ता है यार एक मैक यूजर को। तो उस तरीके से प्राइजेस डिफरेंट होते हैं, मैं भी बता दूं कि प्राइजेस हर मशीन के सेम नहीं होते हैं, जिस तरीके का आपका डिमांड रहेगा उस तरीके प्राइस रहेंगे। अब नॉर्मल प्राइजेस रहेंगे तो मेरे क्या पास कोई भी अगर कोई दे रहा तो फ्रॉड रहेगा। अब नॉर्मल प्राइजेस जैसे ये 2 लाख की चीज है आपको दिखा रहा है, ये बोला है 50 हज़ार में देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, लाख में देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये अब नॉर्मल प्राइजेस है। मेरे प्राइजेस डिसेंट होंगे, अच्छे होंगे, बट आपके पॉकेट फ्रेंडली होंगे, आपको मजा आएगा लेने में, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।